देहिश बा बर मोहे सुब करमन ते कबहू न टरो, न डरो अरिसो जब जाए लरो, निश्चय करी अपनी जीत करो। मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर ने बताया था कि जब मनमोहन सिंह अपने दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहे होते थे, तब वे सिखों के अपने दसवें गुरु के ये शब्द गुनगुनाते रहते थे। मोंटेक सिंह अहलुवालिया अपनी किताब बैकस्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज ग्रोथ ईयर्स में लिखते हैं कि मनमोहन सिंह अपनी ताकत का सोर्स गुरबानी को ही मानते थे। हालांकि उनके लिए धर्म एक निजी विषय था जिसका असर फैसलों पर कभी नहीं हुआ। जुलाई 1991 को अपने पहले बजट से पहले जब मनमोहन सिंह ने बजट नरसिम्हा राव के समक्ष रखा तो उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। राव ने कहा कि मुझे यही चाहिए था तो मैंने आपको क्यों चुना। कम बोलने वाले डॉक्टर साहब ने एक लाइन में विक्टर ह्यूगो के शब्द दोहराते हुए कहा, दुनिया की कोई ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका वक्त आ चुका है। सदन में आसमानी पगड़ी बांधे मनमोहन सिंह ने जब बजट भाषण पढ़ना शुरू किया तो सारी निगाहें उन्हें देख रही थी। बजट भाषण के बाद कांग्रेस नेताओं ने मीटिंग बुलाई, मनमोहन सिंह की बजट को लेकर जमकर आलोचना की। खुद पीएम राव ने भी इस मीटिंग से दूरी बनाए रखी, लेकिन डॉक्टर साहब के फैसलों ने सुधारवादी नतीजे देना शुरू कर दिया तो सब बदल गया। बाद में पीएम राव भी बोले कि ये बदलाव समय की मांग है और इससे बचा नहीं जा सकता। राव को शायद बाद में समझ आ गया था कि बजट का मसौदा उतने अच्छे ढंग से नहीं लिखा गया जितना अच्छा बजट था, क्योंकि उदारीकरण को समझना और समझाना आज भी कई जगहों पर मुश्किल है, फिर वो चाहे घरेलू नीतियां हों या अंतर्राष्ट्रीय पैमाने। ये मनमोहन सिंह की ही देन है कि देसी विदेशी कंपनियों के लिए दरवाजे खुले, एक फ्री इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट भारत में आया, नए निवेश हुए, देशी कंपनियों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ और बेपटरी हो चुकी अर्थव्यवस्था फिर से दौड़ पड़ी।